नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। आज पढ़ेंगे हम 28 मार्च को होली वाले दिन आर्मी जीडी का जो पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे रियल में, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे आर्मी लेवल के, कि आर्मी के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं, आपको बहुत गहराई तक नहीं जाना है, क्योंकि आप गहराई तक जाओगे तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। आज की क्लास के अंदर हम पहला जो क्वेश्चन करेंगे सोल्व वो क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ना सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे आंसर तक नजदीक उतने ही जल्दी पहुंच पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर एक था, सभी पढ़िए, कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो बताओ उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। पढ़ लिया सभी ने कि दो संख्याओं का जो अंतर आपको दे रखा है वो अंतर 2 का दे रखा है तथा उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, वर्गों का अंतर है वो आपको दे रखा है 28 और उनके योगफल आपको पूछा गया है कि उनका योगफल क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मान लो दो संख्या है ए और बी, कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है आपको 2 दे रखा है, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी एक के वर्ग और बी का वर्ग दोनों का अंतर है वो कितना दे रखा है 28। आपको पूछा गया है उन दोनों का योगफल यानी कि आपको a प्लस बी का मान पूछा गया है। ध्यान से देखना, यहां से अगर आपको a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तीनों में से, तो आपका आंसर बिल्कुल इजी से हो जाएगा। जैसे कि मान लो a का स्क्वायर माइनस बी का एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 28, बराबर में a प्लस बी आपको पूछा गया है ठीक है, और आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 2। यहां से 2 है वो बट्टा में चला जाएगा तो 28 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 14, किसका मान a प्लस बी अर्थात उन दोनों संख्याओं का योगफल है वो कितना आ जाएगा 14। दोस्तों समझ में आ गया सबको क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको पूछा गया है। यहां से बीजगणित का जो क्वेश्चन है उसके अंदर तीन प्रकार के क्वेश्चन ध्यान में रखना आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को, कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती उसकी संभावना क्या है। कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती उसकी संभावना यानी प्रायिकता आपसे पूछी जाती है, ध्यान से सुनना। यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी भी घटना के संभावित जो घटना है उसके प्रायिकता पूछी जाती है कि होने की प्रायिकता क्या है और न होने की, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर होने की पूछता है कि 100% हो रही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1, अगर न होने की आपको पूछी जाती है तो हमेशा ध्यान रखना उसका आंसर क्या रहेगा 0। इस एग्जाम के अंदर जो 28 मार्च को पेपर हुआ था उसके अंदर न होने की पूछी गई है, तो न होने की जब भी आपको पूछी जाती है तो उसका आंसर हमेशा आपको क्या करना है 0, और होने की पूछी जाती है कि प्रायिकता होने की क्या होगी तो यहां से आंसर क्या देना है आपको 1, दोनों बातें ध्यान में रखनी है ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। वो बता रहा है कि 12वीं पारी में कितने रन बना रहा है 63 रन, 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है जिससे उसका औसत क्या हुआ 2 रन बढ़ गया, जिससे उसका औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ गया। आपसे पूछा गया कि 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन, देखना आंसर कितना इजी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर समझाऊंगा कि 12वीं पारी में जैसे ही उसने 63 रन बनाए तो उसके दोस्तों ने उसको बोला कि यार बहुत अच्छा खेला, क्या हुआ उसने पूछा तो बोला कि 2 रन प्रति पारी हमारा औसत बढ़ गया, यानी मान लो कि 15 था तो हमारा 17 हो गया, 20 था तो हमारा औसत कितना हो गया 22। मैं बोलूं कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिसे 2 रन प्रति पारी बढ़ गए, इसका मतलब प्रत्येक पारी को उसने 2-2 रन और दे दिए, कितनी पारी खेली 12, तो मैं बोलूं 12 इंटू 2 उसने कितने रन ज्यादा बना लिए 24 रन,
भाई प्रत्येक पारी के दो दो बनाए, इसलिए तो दो औसत बटाए। तो मैं बोलूं कि प्रत्येक पारी के दो दो बनाए तो 24 रन इसने ज्यादा बनाए। अब मैं बोलूं कि अगर ये 24 रन ज्यादा नहीं बनाता तो इसके औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जितना औसत था 11 पारी तक वही रहता 12वीं पारी के बाद। तो अगर ये 24 रन नहीं बनाता तो इसका औसत कितना रहेगा, 63-24। तो यहां से मैं कह सकता हूं 13 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 9, 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 39। मैं कह सकता हूं कि पहली जो 12वीं पारी है उससे पहले का जो औसत था वो कितना था 39। इसने थोड़ा सा अच्छे से खेला, प्रति पारी 2 बढ़ा दिए, तो इसका नया औसत कितना हो जाएगा 39+2 यानी कि आंसर कितना रहेगा 41 रन प्रति पारी। समझ में आ गया सबको, औसत का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा आपको क्वेश्चन पूछा गया, सीधी सी बात है। 2 रन बढ़ गए तो मैं कह सकता हूं 12 × 2 24 रन ज्यादा बनाए, 24 रन नहीं बनाता तो कितने रन बनाता 39। ये तो हो गया क्या पुराना औसत। अगर यहां से पूछ लिया जाएगी पुराना औसत क्या था तो आंसर आएगा 39। अगर पूछ लेगी 12वीं पारी के बाद, इसमें में यही पूछा गया 12वीं पारी के बाद नया औसत, तो वो औसत कितना हो जाएगा 41। समझ में आ गया सबको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर देखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। 1589 मिलीग्राम है, मिलीग्राम इसको ग्राम में आपको बदलना है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 1 मिलीग्राम में 0.001 ग्राम होंगे, ठीक है। 1589 मिलीग्राम में कितने होंगे, तो 1589 को इससे गुणा करोगे आप जैसे ही, तो आपका आंसर आएगा 1.589 ग्राम। समझ में आ गई मेरी बात, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.589। यहां पर आपको याद क्या रखना है कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, किलोग्राम का क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है आपको। समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं कि आपसे पूछा गया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 31, 7, फिर 25, 31, 7 उसके बाद में दे रखा है 25, उसके बाद में आपको दे रखा है 13, 19, 13, 19 फिर आपको दे रखा है 19, उसके बाद में दे रखा है फिर 13 कि अगली संख्या क्या होगी। ध्यान से सुनना, सीरीज का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहां से मैं कह सकता हूं इसका आंसर हम कैसे करेंगे। देखो एक छोड़कर एक देखिए, ये हमने सीरीज बनाई, तो हम कह सकते हैं यहां पर जो आएगी संख्या वो इनके आधार पर आएगी। सॉरी, 31 में से 6 घटाओगे तो 25, 25 में से 6 घटाओगे तो 19, 19 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। वैसे ही इसमें बढ़ो, 7 में 6 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, 19 में आप 6 जोड़ोगे, 19 में सीधा आपको कितना जोड़ना है 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25। समझ में आ गया सबको, इस सीरीज का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25। ध्यान रखना आर्मी के अंदर, रीजनिंग के अंदर सीरीज का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, वो एक भी पूछा जा सकता है, दो भी पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन तो 100% आपको पूछा ही जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सीरीज को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो बताओ भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, ध्यान से सुनना, और भुजाओं की संख्या आपको पूछी गई है, विकर्ण कितने हैं 44 और भुजाओं की संख्या आपको पूछी गई है। ऑप्शन ध्यान रखना इसमें, ऑप्शन है पहला 11, 12, 13 और मान लो 14। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारा तरीका रहेगा ऑप्शन विधि, दूसरा रहेगा फॉर्मूला विधि। ध्यान से सुनना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही दोनों विधि आप कर पाओगे। इसका विकर्णों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है n cos(n-3)2। एक विकर्ण के बहुभुज के विकर्ण आपको दे रखे कितने 44, ठीक है। यहां पर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, बट्टा में कितना आएगा 2, यहां से ये जाएगा 88,
बराबर में एन को एन से गुणा करोगे तो एन स्क्वायर, एन को तीन से करोगे तो माइनस का तीन एन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस में 88 बराबर में जीरो, यहाँ से एक समीकरण बन गया आपके पास। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समीकरण सोल्व करना नहीं आता, रियलिटी यही होती है कि समीकरण उनको सोल्व ही नहीं करना आता। जब समीकरण सोल्व नहीं करना आएगा आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो देखो, एक तो यहां से समीकरण बना लोगे, उससे आप आंसर निकालोगे। एक देखो, यहां पर आप भुजा का जो मान है वो फॉर्मूले से रख दोगे। जैसे हम कि मान लो ऑप्शन में आपको दे रखा है पहला ऑप्शन 11, जैसे कि मैं एन का मान 11 रखूंगा, तो एन का मान 11 रखूंगा तो 11 इंटू 11 में से 3 घटाओगे 8, बट्टा में कितना 2, 2 से घटेगा 4 बार, यानी कि विकर्णों की जो संख्या आई वो कितनी आ गई 44। एक सेकंड में आंसर आ गया हमारा, तो 44 वो बता रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा इसका। अगर आप 12 लेते तो 12 मान लो पहला ऑप्शन 12 होता तो 12 इंटू 12 में से 3 घटाओगे तो 9, बट्टा में 2, 2 से काटोगे तो 6 बार, यानी कि अगर 54 विकर्ण होते तो भुजा कितनी होती 12, 54 अगर विकर्ण होते तो भुजा कितनी होती इसकी 12, समझ में आ गया। ऑप्शन विधि सबसे बेस्ट रहेगी। समीकरण आप बना लोगे तो आपसे समीकरण सोल्व नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ध्यान से सुनना। ऑप्शन विधि जो है इसकी सबसे बेस्ट रहेगी, ऑप्शन से आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सभी पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को अलग अलग बता रहे, ए तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बता रहा है ए काम को शुरू कर रहे हैं और फिर बता रहा है कि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। जो स्टूडेंट 28 मार्च को जो पेपर देने गए थे वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो तो सही दे रखी है, उसमें दे रखा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, पहले दिन ए आया तो दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, ऐसे ही पूरा काम करते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कुल कितने दिन लगे काम को पूरा करने में। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसे हिंदी में आप पढ़कर आंसर दोगे तो आपका आंसर पूर्ण संख्या में नहीं आएगा और वो ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको गलत कर दोगे। ध्यान से सुनना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आर्मी लेवल का हो चाहे आईएएस का एग्जाम हो, एग्जाम में हमेशा इंग्लिश को वरीयता दी जाती है कि आप इंग्लिश को, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िए, अगर वो सही है ना तो फिर हिंदी में अगर गलत भी है तो आपका ही गलत माना जाएगा, वहां पर आप रिट नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर मैं इंग्लिश में आपको पढ़ना है, अल्टरनेटिव नाम दे रखा है तो बारी बारी का आया। इसका जो तरीका है वो क्या होगा, देखो मान लो एक काम है, इसको ए और बी कर रहे हैं, ए काम को कितने दिन में कर रहा है 10 में, बी कितने में कर रहा है 15 में। 10 और 15 से कटने वाली कोई भी संख्या अपने दिमाग में सोच लो, जैसे कि मान लो 30 हुई, मैं बोलूं कि 60 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 60 से कर लो चाहे 30 से कर लो चाहे 50 से कर लो, आंसर आ जाएगा। 50 में इसका भाग पूरा नहीं जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी आपकी। कटने वाली संख्या मैंने मान ली 30 है, उनको 30 काम करना था, ए ने 10 दिन में कर दिया, यानी कि उसकी स्पीड कितने की थी 3 की, 3 काम पर डे करता था। बी ने 15 दिन में किया, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी थी 30 में 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2। मैं कह सकता हूँ बी की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो क्या है 2 है। सबसे पहले काम पर ए आया, सपोज कीजिए ए ने एक दिन में काम कितना किया 3 काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, काम पे कौन आया बी आया, बी ने यहाँ से काम शुरू किया, एक दिन काम किया और 2 काम किया, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि 2 ही दिन के अंदर काम कितना हुआ 5, 2 दिन में टोटल 5 काम हो गया। आपसे पूछ रहा है कि काम करना कितना है 30, 5 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि 30 हो जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 को 5 से करोगे तो 30 होगा नहीं, 5 को 4 से करोगे तो नहीं होगा, 5 को किससे गुणा करोगे 6 से, तो 6 से दोनों साइड मैंने गुणा कर दिया तो मैं कह सकता हूं 12 दिन के अंदर 30 काम पूरा हो गया, यानी कि कुल काम को करने में कितना समय लगा 12 दिन। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो सीधा भी आप कर सकते हो कि 2 दिन में 5 काम हुआ तो 4 दिन में कितना होगा 10, 4 दिन में कितना होगा 10, ऐसे आप कर सकते हो कि 6 दिन में होगा 15, 8 दिन में 20, 10 दिन में 25 और 12 दिन में कितना 30 काम, ऐसे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर वो ऐसे पूछता आपको
वो चेंज कर सकता था क्वेश्चन कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि दोनों मिलकर पूछ रहे हैं वो, तो दोनों मिलकर रोज कितना काम करते हैं, 5, 3 और 2, 5 काम करते हैं। तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, 5 का भाग दोगे तो हम कह सकते हैं 30 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन के अंदर कर देंगे उस काम को। समझ में आ गया दोस्तों सबको? कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो बता देना मेरे को, कि इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन में आपके डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। यहाँ पर टाइम एंड वर्क से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कि 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 7 लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कि 6 लड़कों की औसत आयु है वो 19 वर्ष है। 6 की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। आपसे पूछा गया है अभी क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 7 लड़कों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है, फिर देर क्या है कि 6 लड़के हैं उनकी आयु है 19.5 वर्ष। आपको पूछा गया है तो बताइए 7वें लड़के की जो है आयु वो क्या होगी। तो मैं कह सकता हूं देखो, ये तो आपको संख्या दे रखी है, ये आपको उनका औसत दे रखा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब आपको देखो योग औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है, आपको योग नहीं दे रखा, तो योग याद करना है तो ये उस साइड जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा योग का, कि औसत गुणा संख्या, औसत इंटू संख्या, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 7 लड़कों का जो टोटल योग है वो कितना आएगा, 7 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 140। 7 को 20 से करोगे तो कितना आएगा, 140। और 6 को 19.5 से करोगे तो औसत जो है टोटल योग वो आएगा 117, ठीक है। यहां से पता चल गया कि देखो, अब मैं आपको पूछूं कि 7 की आयु है वो टोटल 140 है और 6 की आयु है वो कितनी है, 117। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक जो बच गया उसकी आयु कितनी होगी, 140 में से आप 117 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 23 वर्ष। कितना आंसर आएगा, 23 वर्ष। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट है किसी को? वापिस बता रहा हूं कि 7 को 20 से गुणा कर दो, 6 को 19.5 से गुणा कर दो, 7वें की पूछ रहे हैं तो इनका अंतर कर दो, माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 23 वर्ष। आ गया सबको समझ में औसत से संबंधित ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पढ़िए सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना सभी क्वेश्चन को। मैं बोल देता हूं संख्या है 5, 25 और 125 कि अगली संख्या कौन सी होगी। 5, 25, 125 की नेक्स्ट संख्या आपसे पूछी गई है, तो यहां से मैं कह सकता हूं देखो इसका 5 गुणा है, ये इसका 5 गुणा है, तो 125 का 5 गुणा आपको पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कितना, 625। ये भी आपका क्वेश्चन सीरीज का है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इस पेपर के अंदर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए अभी तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होगा वो पढ़िए सभी। क्वेश्चन है ARISE को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखना ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, वैसे आपने पढ़ा होगा सबने रीजनिंग के अंदर इसको, तो मैं कह सकता हूं 5 अक्षर है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120, तो 120 बार इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। समझ में आ गया सबको? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना, हम मैथ वाले क्वेश्चन ही करेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बीच में। अगला क्वेश्चन देखना कि एक त्रिभुज की परिधि है वो 600 है। एक त्रिभुज की जो परिधि है, मैं आपको बोलूं कि परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है, परिधि और परिमाप जो है वो एक ही चीज होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। वृत्त के अंदर जब बात होती है तो परिधि होती है, त्रिभुज के अंदर परिमाप होता है, लेकिन यहां पर त्रिभुज का भी परिधि उसने लिख दिया तो गलत नहीं है, ध्यान से सुनना। तो यहां से मैं कह सकता हूं उसका परिमाप आपको दे रखा है कितना, 600। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये मान लो त्रिभुज है, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, मान लो ये एक आयत है ए बी फिर ए फिर बी,
किसी भी आकृति का परिमाप का फॉर्मूला यदि आप याद करते हो तो गलत बात है, आपको याद करना ही नहीं चाहिए। जब हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमें एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, फिर भी हम आंसर दे देंगे। कैसे? कि परिमाप का मतलब क्या होता है। इसका अगर हमें मतलब समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योगफल। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योगफल। जैसे कि त्रिभुज का परिमाप की बात हुई तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी बात करूं मैं आयत की, मान लो आपको याद नहीं है दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर भी आप परिमाप कर सकते हो। कैसे? इसका योगफल करोगे तो ए प्लस बी प्लस फिर ए प्लस बी, ए कितनी बार आया दो बार, बी भी दो बार, दो कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी, यही आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। हमें किसी का भी परिमाप याद करना है ही नहीं, ये बात दिमाग में रख लो आप कि परिमाप याद करना नहीं है, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योगफल, केवल वही बात याद रखनी है। तो यहां पर त्रिभुज का आपको परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ध्यान में रखना है, यानी इन तीनों का योग है वो कितना बता रहा है 600, फिर वो इनकी भुजा अनुपात में दे रखा है। तो अनुपात में जब भुजा दे रखी होती है इसका मतलब वो भुजा एग्जिट नहीं है। तो अनुपात का मतलब क्या है, उनका जो लास्ट वैल्यू है वो आपको दे रखी है। जैसे एक वैल्यू दे दी मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर 12, फिर 13, फिर 15, यानी कि आप मान लो 12x 13x और 15x बराबर में कितना है 600। ठीक है, यहां पर आप सोल्व करोगे इसको तो देखो 5 और 3 8 2 10, 1 2 3 और 1 4, 40x बराबर 600 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 600/40, x की वैल्यू हो गई 15। आपको बोला क्या गया है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, देखो एक देर की है 12 13 और 15, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी 15 वाली। तो यहां से देखो ये भुजा कितनी हो जाएगी 15 × x की वैल्यू कितनी आई 15, यानी कि 225। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 225। सबसे छोटी पूछता तो क्या करते 12 × 15 180, 12 × 15। बीच वाली भुजा पूछते तो 13 × 15, समझ में तो आ रहा है ना सबको, यानी कि सबसे छोटी पूछ रहा है तो 12 से गुणा कर दो 15 को, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 15 को किससे गुणा कर दो 15 से, तीनों भुजा पूछ रहा है तो आप तीनों भुजा अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी, ये त्रिभुज से संबंधित आपके एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक मोटर बोट है वो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, और धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। दूरी आपको दे रखी है 9 किलोमीटर, ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि धारा की दिशा और विपरीत दिशा, देखो इसको क्वेश्चन के अंदर ध्यान में रखना है, अगर वो भाषा चेंज करेगा लैंग्वेज बदलेगा तो आपको ऐसा दे सकता है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो मैं कह सकता हूं धारा की दिशा यानी कि सेम साइड हो गई, तो धारा की दिशा में समान दिशा के अंदर दूरी तो है 9 किलोमीटर और समय ले रहा है कितना 2 घंटे, ठीक है, और धारा के विपरीत जो दिशा है, विपरीत दिशा है, इसको एक बार मैं वाई लिख रहा हूं, इसको मैं एक्स लिख रहा हूं, ठीक है, समान दिशा को, इसमें दूरी तो सेम ही है 9, लेकिन वो बता रहा है समय कितना ले रहा है 6 घंटे, समय कितना ले रहा है 6 घंटे। आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर ऐसी कंडीशन आपके पास है कि दूरी भी है समय भी है, तो यहां से क्या आ जाएगी चाल, और यहां पर देखो दूरी भी है समय भी है, यहां से क्या आ जाएगी आपके चाल, ठीक है, दोनों से धारा की दिशा में नाव की जो चाल है वो कितनी है 9/2, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है वो कितनी है 9/6। सोल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 3/2 किलोमीटर/घंटा। समझ में आ गई होगी मेरी बात सबको, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब हमें करना क्या है वो देखना है, धारा की दिशा में नाव की चाल आ गई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ गई, आपको पूछा क्या गया है तो बताओ धारा के अनुकूल और विपरीत यानी कि प्रतिकूल धारा की दिशा है वो नाव की चाल क्या होगी। तो यहां से देखो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होगा x + y/2, और धारा की चाल ज्ञात करनी है तो x - y/2,
यहां से ये चाल आएगी नाव की और ये चाल किसकी आएगी धारा की, दोनों आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आई थी 9/2 प्लस के अंदर वाई की आई थी 3/2 बट्टा में क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या हो जाएगा 9/2 माइनस में 3/2 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां से आपका सीधा आंसर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं यहां से सीधा आपका आंसर आएगा 9/2 और 3/2, इसको सोल्व करोगे तो 2 एलसीएम ले लिया तो 9 और 3 12 बट्टा में 2 नीचे रह जाएगा, 4 का भाग दोगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। यहां से आपको पूछा गया है नाव की चाल क्या होगी, तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पूछा गया है कि धारा की चाल क्या होगी, तो 9/2 से यहां से सोल्व करोगे तो 2 9 में से 3 घटाओगे 6 बट्टा में क्या 2 यही रह जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार तो आंसर आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस ऑप्शन में 3 और 1.5 है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ध्यान रखना एक बात कि धारा की दिशा में अगर कोई नाव जा रही है, तीन बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि धारा की दिशा में यदि कोई नाव जा रही है तो नाव की चाल क्या होगी, धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों की चाल जुड़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर नाव धारा की विपरीत बह रही है, जैसे मान लो धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है, एक नाव यहां पर है वो इस तरफ जा रही है, तो ये हो गई विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल कम ही होती है, तो ध्यान रखना धारा की जो नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल माइनस हो जाएगी यहां पर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो समान दिशा में नाव की चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल बट्टा में क्या 2। अगर आपको नाव की चाल न पूछकर धारा की पूछी गई है तो एक्स माइनस वाई बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यानी धारा समान दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बट्टा में कितना 2। जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो मैं आपको 10-15 इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जिससे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। समय, चाल और दूरी पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। टॉपिक को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है पढ़िए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, 320 के विक्रय मूल्य पर कितने आम बेच देता है 400, बेचना कितना था 320, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा 320। मैं कह सकता हूं इसको तो हानि हुई है, कन्फर्म है, क्वेश्चन में भी दे रखा है, हानि जो भी हुई है वो प्रतिशत में बताओ, तो यहां से कन्फर्म है हानि कितने की हुई है 80 की, तो हम कह सकते हैं कि 400 में खरीदा और 320 में बेचा इसलिए तो हानि हुई है उसको। क्रय मूल्य कितना होगा 400 या 320, भाई 320 में खरीदता और 400 में बेचता तो लाभ हो जाता, भाई किसी को डाउट है कि इनमें से क्रय मूल्य कौन सा होगा, लेकिन यहां पर 400 में खरीदा और 320 में बेचा तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि अब हानि हुई है इसको, हानि कितने की हुई है 80 की। प्रतिशत में बताना है तो बट्टा में कितना आएगा 400 गुणा में कितना आएगा 100, 00 से 00 4 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 20%। आ गया सबको समझ में ये क्वेश्चन? अगली क्लास जो अपनी होगी नेक्स्ट लाभ अनियम पढ़े उसके अंदर और क्लियर करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था कि ज्ञात कीजिए 30% ऑफ 1500 प्लस 600, 30% फिर दे रखा है ओ 1500 प्लस 600, मतलब हुआ कि 1500 प्लस 600 का 30% कितना होगा, 1500 प्लस 600 का 30% क्या होगा, तो 1500 प्लस 600 कितना हो जाएगा 2100 का 30%। तो मैंने आपको समझाया था 2100 का मतलब होता है गुणा 30% का निशान उठाने के लिए बट्टा में कितना आएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा 2, 21 को 3 से गुणा करोगे तो 630, एक जीरो यहां पर रह गया ध्यान रखना, तो कितना आंसर आएगा 630। आ गया सबको समझ में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर जो हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू किया था संख्या पत्ती उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा था, एक तो परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, उन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है। देखो एग्जाम्पल ही हम समझते हैं, ये तो है परिमेय, ये तो है परिमेय, दूसरी संख्या लिख रहा हूं मैं अपरिमेय, अपरिमेय हो गई मान लो अंडूड का 2। आपसे पूछा गया इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होगा, तो मैं कह दूं
इसका जो गुणनफल आएगा वो 2√2 आएगा। तो ये संख्या वापस अंडरूट आ गई। मैंने बताया था कि जिसका पूर्ण अंडरूट नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल, वो संख्या हमेशा किस में आएगी? अपरिमेय में। तो परिमेय इंटू अपरिमेय बराबर क्या आया? अपरिमेय। आप ऐसे किसी भी संख्या को गुणा करके देख सकते हो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। तो याद रखना, दो अगर वो बोल देता कि दो परिमेय संख्या है, ध्यान से सुनना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ध्यान रखना हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। कोई भी दो संख्या ले लो आप परिमेय, जैसे मान लो 2 × 3 ले लिया तो आंसर कितना आएगा? 6। लेकिन अगर वो ऐसा न बोलकर ऐसा बोल दे कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, इसका गुणनफल सदैव क्या होगा? हमेशा ही क्या होगा? तो यहां पर डाउट वाली बात है, वो क्या है कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लागू होती है यहां पर, कि हमेशा ऐसा ही नहीं होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का हमेशा अपरिमेय रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल ही मैंने आपको समझा दिया, दो परिमेय संख्या है उसका रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। लेकिन दो, एक तो अपरिमेय है, दूसरी संख्या भी उसके साथ क्या आ रही है? अपरिमेय। तो हमेशा रिजल्ट परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? दोनों ही हो सकता है। देखो कैसे, मैं आपको बताऊं, एक अपरिमेय संख्या ले ली मान लो कि अंडरूट का 2 ही, ठीक है, दूसरी ले ली अपरिमेय संख्या अंडरूट का 2, इनका गुणनफल क्या हुआ? 2। तो अपरिमेय इंटू अपरिमेय बराबर क्या हो गया? परिमेय। भाई 2 हो गया पूरा, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? परिमेय। अगर आपको ऐसी कंडीशन ना आकर इस प्रकार से आ जाए, अंडरूट 2 और अंडरूट 3, तो अब रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा इसका? अपरिमेय। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही बदल सकते हैं, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है वो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होगा, एक परिमेय और अपरिमेय का हमेशा गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। तीनों बातें आपको यहां से ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये अपने मैथ के 15 क्वेश्चन थे, मैंने एकदम जीरो से आपको क्लियर करवा दिया, बेसिक भी इनका सबको समझा दिया। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें तो आपसे पढ़ना है, पेपर सोल्व करने हैं आगे के, मान लो आर्मी के जो किताब बुक्स है उसके पेपर आपसे सोल्व करने हैं, तो हमारा जो एक एप्लीकेशन चलता है आर्मी स्टडी ऐप, उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। नॉर्मल बिल्कुल जीरो लेवल की फीस है, एकदम जीरो, मान लो 150-500 के लगभग फीस है, और उसके अंदर आपको टोटल क्लास जो मैथ के जीरो लेवल से क्लास रेगुलर चल रही है, उसके अंदर आपने 2-3 टॉपिक पढ़ भी लिए, कुछ पहली क्लास से वो क्लास रेगुलर ले रहे हैं, आप भी अगर क्लास लेना चाहते हो तो लाभ आने का टॉपिक चल रहा है, उसके आगे मैं आपको वापस जीरो से जो पहले संख्यापत्ति पढ़ ली है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पढ़ ली है उसके अंदर, उसके बाद में प्रतिशत पढ़ा है वो वापस रिवीजन में करवा दूंगा। आप सभी का स्वागत है उस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।